हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट इंस्टीट्यूट। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे आगे के एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 11 केमिकल काइनेटिक्स से। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इन द रिएक्शन पी प्लस क्यू गिव्स आर प्लस एस द टाइम टेकन फॉर 75% रिएक्शन ऑफ पी इज ट्वाइस द टाइम टेकन फॉर 50% रिएक्शन ऑफ पी। The concentration of Q varies with the reaction time as shown in figure. The overall order of the reaction will be. तो हमें reaction दे रखी है P plus Q से R plus S बन रहा है। तो हमारे पास दो reactant हैं, एक reactant है P और एक reactant है Q। एक की power यानी एक का order P के with respect to order है alpha और Q के with respect to order क्या है beta। अब देखो हमें P में कह रखा है, अगर हम P की कंसंट्रेशन जो है, जो P को टाइम लगता है 75% रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है, इट इज ट्वाइस ऑफ टाइम टेकन फॉर 50% रिएक्शन। मींस 100 थे रिएक्टेंट 100 से 50 होने में जो टाइम लगेगा, 50 का हाफ होने में जो टाइम लगेगा 25, यानी 75% रिएक्शन होने में कितना टाइम लगता है, ट्वाइस टाइम लगता है। तो ये टी हाफ हो गया, ये भी क्या हो गया, टी हाफ हो गया। तो इस टाइप का हमारे पास जो टाइम होता है, जो टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। तो अगर टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन है तो इट मीन्स ये कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू पी, पी के विद रिस्पेक्ट टू क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो यहां से हमने ये कंक्लूजन निकाला। अब हम क्यू के लिए हमें ग्राफ दे रखा है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ क्यू, दिस इज टाइम। तो यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन क्यू नॉट थी यहां पर, उसके बाद जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है तो कंसंट्रेशन प्रोग्रेसिवली इंक्रीज कर डिक्रीज कर रही है, लगातार डिक्रीज कर रही है, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज कर रही है। इट मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो हमारे पास क्यू की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इस ग्राफ से हमें पता लगता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ क्यू। तो यानी मतलब क्यू के हिसाब से ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 0, लगातार डिक्रीज कर रहा है। तो इट मींस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0, अल्फा 1 है, बीटा 0 है। तो अल्फा प्लस बीटा, इन्होंने ओवरऑल ऑर्डर पूछा है, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया, 1 + 0 = 1। तो इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए, डी आंसर आ जाना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, रीड करते हैं 7th क्वेश्चन को। द रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन इट्स टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 300 केल्विन टू 310 केल्विन, द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ सच अ रिएक्शन विल बी। हमें आर गिवन है, हमें लॉग 2 की वैल्यू गिवन है। तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल, इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रही है, तो इट मीन्स रेट कॉन्स्टेंट भी क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। जब टेम्परेचर को हम 300 केल्विन से 310 केल्विन करते हैं तो K2 क्या हो जाता है, 2 times K1 हो जाता है। अगर रेट कॉन्स्टेंट डबल हो रहा है तो इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रही है, डबल हो रही है। वी हैव टू फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी, हमने इसकी एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो हमारे पास हम यूज करेंगे अरहीनियस इक्वेशन। टेम्परेचर कितना कितना दे रखा है, पहले टेम्परेचर था 300 केल्विन और बाद में टेम्परेचर कितना हो गया, 310 केल्विन। टेम्परेचर 300 से 310 केल्विन हो गया। तो अरहीनियस इक्वेशन क्या होती है, लॉग ऑफ K2 / K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R T2 - T1 / T1 × T2। तो यहां पर वैल्यूज पुट कर देंगे, लॉग ऑफ K2 कितना आ गया, 2 times K1 आ गया, / K1 इज इक्वल टू EA, हमने कैलकुलेट करना है, 2.303, R की वैल्यू आ गई 8.314 और T2 - T1 कितना आ गया, 310 - 300 / 310 × क्या आ जाएगा, 300। इसको सोल्व करेंगे, K1 और K1 कैंसिल हो गया, log 2 की वैल्यू होती है 0.3,
ईए हमने कैलकुलेट करना है 2.303 इंटू 8.3 10 डिवाइड बाय 310 इंटू 300। तो यहां से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी एक, तो इसको सोल्व करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ई ए, तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा ए 53.6 किलो जूल। एक्चुअल में ये आंसर किस में आएगा, हमारे पास जो ये आंसर आया ये आंसर आएगा जूल में, तो हम डिवाइड बाय क्या कर देंगे 1000 कर देंगे, जिससे आंसर किस में आ जाएगा हमारे पास किलो जूल के अंदर आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लॉट शोज द वेरिएशन ऑफ रेट कॉन्स्टेंट विद टेम्परेचर आर गिवन बिलो द प्लॉट दैट फॉलोज अरिहंट इक्वेशन। अगेन क्वेश्चन फ्रॉम अरिहंट इक्वेशन। देखो अरिहंट इक्वेशन होती है हमारे पास k इज इक्वल टू a e की पावर माइनस ई ए डिवाइडेड बाय आर टी, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक अरिहंट इक्वेशन होती है, हमने नेचुरल लॉग ले लिया k और उसको सोल्व किया नेचुरल लॉग a माइनस ई ए अपॉन 2.303। एक हम लॉग लेकर कर सकते हैं आर टी, ठीक है ना, 2.303 अगर आ गया तो यहां पर क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग की बजाय क्या आ जाएगा सिंपल लॉग आ जाएगा, यानी लॉग बेस 10। तो लॉग ऑफ लॉग बेस 10 के इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। लेकिन हमें यहां पर इसमें देखना है कि हमें कहा गया कि व्हाट इज द रिलेशनशिप या व्हाट हाउ डज के वेरीज विद टी, तो के का क्या यहां पर वेरी कैसे कर रहा है, एक्सपोनेंशियली वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है, एक्सपोनेंशियली। देखो एक तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दूसरा क्या आ गया माइनस आ गया, इट मींस के जो है इट विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्सपोनेंशियली, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो के हमारा वैसे वैसे क्या करेगा एक्सपोनेंशियली क्या करेगा इंक्रीज करेगा। तो हमारे पास ग्राफ जो है वो ग्राफ इस टाइप का आ जाएगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा मींस लगातार इंक्रीज कर रहा है, तो ग्राफ क्या आ जाएगा ए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर इज ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए से पी द टेम्परेचर डिपेंडेंट रेट कॉन्स्टेंट वॉज फाउंड टू फॉलो द इक्वेशन। हमें ये इक्वेशन दे रखी है, एक्चुअल में इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, यहां पर हमारे पास क्या आना चाहिए, इसमें ये माइनस आना चाहिए, यहां पर ये क्या आना चाहिए माइनस, ये तो प्लस सही है, यहां पर माइनस आना चाहिए, तो इसको हम माइनस मानकर ज्यूम करके चलते हैं। तो इक्वेशन क्या दे रखी है हमें, लॉग ऑफ के इज इक्वल टू माइनस 2000 डिवाइडेड बाय टी प्लस 6, ये प्लस है, यहां पर क्या आएगा प्लस ही आएगा, ये प्लस 6 है, तो यहां पर ये इक्वेशन दे रखी है। अगेन हम अरिहंट इक्वेशन यूज करेंगे इसके अंदर। अरिहंट इक्वेशन से हमने क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो अरिहंट इक्वेशन क्या होती है, लॉग वाली, लॉग ऑफ के इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए, लॉग ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। नाउ वी विल कंपेयर बोथ दीज इक्वेशंस। तो ये हमारे पास ये दोनों सेम है, तो ये लॉग और ए और ये भी क्या होंगे आपस में सेम होंगे, तो इट मींस लॉग ए विल बी इक्वल टू 6, therefore a will be equal to 10 raised to power 6। तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 10 raised to power क्या आ जाएगी 6। तो देखो ये आ रहा है हमारे पास 10 raised to power 6, 10 raised to power 6, 10 raised to power 6। इट मीन्स आंसर b नहीं है, या तो आंसर a है या c है या फिर d है। अब हम एक्टिवेशन एनर्जी निकालते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, देखो एक्टिवेशन एनर्जी हमारे पास कैसे निकालेंगे, तो ये हमारे पास जो ये वाली टर्म है ये इसके इक्वल आएगी, पूरी टर्म के इक्वल आएगी। तो क्या आ गया माइनस 2000 डिवाइड बाय टी इज इक्वल टू माइनस ई ए डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी। टी और टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हमने इन दोनों को कंपेयर कर लिया, तो टी और टी कैंसिल हो गया, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो ई ए किसके इक्वल आ जाएगा 2000 इंटू 2.303 इंटू आर, क्या आ जाएगा इंटू आर। तो ई ए हमारा किसके इक्वल आ गया 2000 इंटू 2.303, आर की वैल्यू कितनी होती है 8.3,
ये जूल में आ गया तो इसको मैं डिवाइड बाय क्या कर दूंगा, डिवाइड बाय हम कर देंगे इसको 1000, तो डिवाइड बाय 1000 कर देंगे तो ये आंसर किसमें आ जाएगा, किलो जूल में। तो किलो जूल में लाने के लिए इसको डिवाइड बाय 1000 कर दिया तो ये कैंसिल हो गया। इसको सोल्व कर लेंगे, तो इसको सोल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर अप्रोक्सीमेटली क्या आता है, आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली 38 या 39 किलो जूल पर मोल के इक्वल आ जाता है। मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, डी ऑप्शन हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, डी। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 9th का डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, अंडर द सेम रिएक्शन कंडीशन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 1.386 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सब्सटेंस बिकम्स हाफ इन 40 सेकेंड एंड 20 सेकेंड थ्रू द फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स रिस्पेक्टिवली, द रेशियो K1 डिवाइड बाय K0 ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर एंड जीरो ऑर्डर K0 ऑफ द रिएक्शन इज दिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा 10th क्वेश्चन। देखो K0 दे रखा है रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन और K1 दे रखा है रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो कंसंट्रेशन जो है वो हाफ हो रही है। 1.38 इनिशियल कंसंट्रेशन थी तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी गिवन है हमें, 1.386 मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। मींस डेसीमीटर क्यूब और लीटर हमारे पास एक ही चीज होते हैं तो मोल पर लीटर है, मींस मोलैरिटी दे रखी है। देखो हमें कह रखा है कि हाफ हो जाती है 40 सेकंड में और 20 सेकंड में, फर्स्ट ऑर्डर में तो 40 सेकंड में हो जाती है हाफ और जीरो ऑर्डर में किसमें हो जाती है, 20 सेकंड में। तो यानी जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड कितना हो गया, 40 सेकेंड और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड क्या हो गया, 20 सेकेंड हो गया। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास हाफ लाइफ पीरियड कितना हो गया, 40 सेकेंड और जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो गया, 20 सेकेंड। तो हमने K1 और K0 की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास देखो क्या फॉर्मूला होता है, हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होता है वो होता है 0.693 डिवाइड बाय हाफ लाइफ पीरियड, और हमारे पास जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें के नॉट की वैल्यू क्या होती है, ए नॉट डिवाइडेड बाय क्या आता है, 2 × 2 × हाफ लाइफ पीरियड। दिस इज हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है उसमें हाफ लाइफ पीरियड डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, बट इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। अब इन दोनों में वैल्यूज पुट करेंगे और K1 और K0 को K0 को डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन गया, 0.693, T1 की वैल्यू कितनी है 40 और K0 इज इक्वल टू, K0 किसके इक्वल आ गया, A0 इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, 1.386 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, 2 × 20 आ जाएगा। दोनों को डिवाइड कर देंगे, रेशियो निकालनी है हमने, K1 डिवाइडेड बाय K0 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय 40 डिवाइड बाय 1.386 डिवाइड बाय 2 × 20। देखो 2 × 20 और 40 कैंसिल हो गया, 0.693 डिवाइड बाय 1.386 आ गया। अगर हम इसको देखें तो ये किस पर कैंसिल हो जाएगा, 2 पर कैंसिल हो जाएगा, किस पर कैंसिल हो गया, 2 पर। तो यानी K1 डिवाइडेड बाय K0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2, इट मींस कितनी आ गई, 0.5। तो 0.5 देखो कौन सा ऑप्शन आ गया, 0.5 ए। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का 10th क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर रिएक्शन, ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन दे रखी है, ए जी प्लस बी एच इससे प्रोडक्ट बन रहे हैं, वेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट जी एंड एच आर डबल्ड। हमने इसकी कंसंट्रेशन भी डबल कर दी, इसकी कंसंट्रेशन भी डबल कर दी, मींस सपोज करो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, जी की पावर अल्फा पर डिपेंड कर रहा है और एच की पावर बीटा पर डिपेंड कर रहा है, हमने दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर दी, द रेट इंक्रीजेस बाय 8 times, तो ओवरऑल रेट क्या हो गया, 8 times हो गया। देखो इट मींस क्या हुआ, अगर हम ए की कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो पावर अल्फा है, हमने एच की कंसंट्रेशन दूसरे की कंसंट्रेशन भी डबल की, पावर क्या है, बीटा है, तो यहां पर
2 है, यहां पर भी 2 है, तो क्या हो गया, जो न्यू रेट है, ये न्यू रेट आ गई हमारे पास, जब हमने कंसंट्रेशन क्या कर दी, डबल कर दी, दोनों की कंसंट्रेशन क्या कर दी, डबल कर दी, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, 2 की पावर क्या आ गई, अल्फा प्लस बीटा बन गई, क्या रह गया जी और क्या रह गया हमारे पास एच। तो रेट ऑफ रिएक्शन कहता है कि ये 8 टाइम्स हो गया, ये क्या हो गया 8 टाइम्स हो गया, तो इट मींस ये 8 टाइम्स कब होगा, 2 अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया 8 टाइम्स हो गया, तो ये 8 टाइम्स कब होगा, 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 की पावर कितनी आ गई, ये 3 आ गई, इट मींस अल्फा प्लस बीटा टोटल किसके इक्वल आ गया 3, ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया इसके अंदर 3 आ गया, ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया 3, तो इट मींस इसके अंदर ओवरऑल ऑर्डर पूछा गया है रिएक्शन का वो कितना आ गया 3। देखो आगे भी इसके अंदर दे रखा है, हाउएवर व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जी इज डबल्ड कीपिंग द कंसंट्रेशन एच फिक्स, कहते हैं जी की कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं, एच की कंसंट्रेशन फिक्स रख रहे हैं, तो हमारे पास जो रेट है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। इट मींस कि जी फर्स्ट ऑर्डर है, अगर हम यहां पर देखें जी का ऑर्डर क्या आ गया फर्स्ट ऑर्डर, और एच का ऑर्डर क्या आ जाएगा सेकंड ऑर्डर, तो हम अलग अलग ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, लेकिन उन्होंने अलग अलग ऑर्डर नहीं पूछा, इन्होंने ओवरऑल ऑर्डर पूछा है, तो ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया 3 आ गया, तो ओवरऑल ऑर्डर इज 3, आंसर क्या आ गया इसका जो है डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये न्यूमेरिकल नहीं है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकोरेक्ट, ये ध्यान से देखना है, इनकोरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है अबाउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के लिए ए है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, तो जो ए स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, उसको डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन डिफरेंशियल रेट लॉ, हम तो ये करते ही हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उनकी पावर है, तो यहां पर ऑर्डर क्या आएगा, इन दोनों का सम आएगा, तो बी स्टेटमेंट भी सही है, हमें इनकोरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इट इज नॉट अफेक्टेड व्हेन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट्स विद द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट, ये भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि हमारे पास हाइपोथेटिकल इक्वेशन ए और बी है, तो ये हम डिटरमाइन करते हैं पावर जो है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, ना कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है, तो सी स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। देखो इनकोरेक्ट पूछा था, ए सही है हमारे पास, बी भी सही है, सी भी सही है, तो आंसर क्या होगा, इट मींस डी हो गया। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, ऑर्डर कैन नॉट बी फ्रैक्शनल, बिल्कुल ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी एनी इंटीजर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी फ्रैक्शनल आल्सो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल हो सकता है, लेकिन मोलिक्यूलैरिटी जो होती है, मोलिक्यूलैरिटी इट कैन नेवर बी फ्रैक्शनल, मोलिकुलरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शनल हो सकता है। अब मोलिकुलरिटी क्या होती है, देखो कोई भी रिएक्शन तब होती है जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, तो किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मोलिकुलरिटी। मोलिकुलरिटी इज द नंबर ऑफ आयन्स एटम्स और मोलिक्यूल्स दैट मस्ट कोलाइड विद ईच अदर टू कन्वर्ट रिएक्टेंट्स इंटू प्रोडक्ट, तो एटम्स आयन्स और मोलिक्यूल कितने कोलाइड करें कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ये होता है कि मोलिकुलरिटी कैन नेवर बी जीरो बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, मोलिकुलरिटी कैन नेवर बी इन फ्रैक्शनल, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी इन फ्रैक्शनल। और एक और हमने भी कहा था कि जो हायर मोलिकुलरिटी की रिएक्शंस होती हैं वो नहीं होती, क्योंकि ज्यादा सारे मॉलिक्यूल कोलाइड करें एक ही टाइम पर, इस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होती है। तो ये आज के हमारे एमसीक्यूज थे, तो हम बाकी के एमसीक्यूज कल करेंगे, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।